साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निष्ठ समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाहा स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है।